Good morning, my dear students. Today I am going to teach you Polity, chapter number 3. Name is Constitutional Design. And today is the part 4 of this chapter, part 1, 2, and 3. I have already uploaded and also shared in your WhatsApp group. Okay, today's topic which I am going to discuss that making of the Indian Constitution. Okay, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, उसे आज हम डिस्कस करेंगे और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके हमारे सामने आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू विल सेंड इट इन ग्रुप. ओके, वैसे भी वीडियो तो आप लोग देखते हैं नहीं, लेकिन अगर देखें तो जरूर अपने डाउट्स को सेंड करें. ओके, like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. South Africa के constitution की तरह Indian constitution को भी draw करने में, इसका मतलब बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आईं. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. मतलब इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग जाति के लोग, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाना जिसे सारे लोग फॉलो करें, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क. ओके, एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वेयर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ दैट ऑफ सिटीजन. ओके, उस समय लोग धर्म जाति होने के बहुत ज़्यादा क्या थे, सीरियस थे. द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस. और उस समय कंट्री, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय कंट्री एक ऐसे दौर में गुजर रही थी जब इंडिया का डिवाइड हुआ था, यानी कि पार्टीशन हुआ था, यानी कि इंडिया बिकेम डिवाइडेड इन टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, यू नो वेरी वेल दिस वॉज अ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. और न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक बहुत ही कठिन समय था, टफ टाइम रहा होगा. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. जब पार्टीशन हुआ तो दोनों तरफ के लगभग 10 लाख लोग जान से मार दिए गए, ठीक है ना, जब वो अपने बॉर्डर को बदल रहे थे. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश हैड लेफ्ट it to the ruler of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. और साथ में British India ने ये भी confirm कर दिया था कि जितने भी राजा थे उस time के, उनको ये आज़ादी दे दी कि वो या तो India के साथ जा सकते हैं, या तो Pakistan के साथ जा सकते हैं, या फिर independent रह सकते हैं. तो उस time पे total 565 रियासतें होती थी, हिंदी में रियासत उसको बोला जाता था, तो 565 रियासतें होती थी. तो हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल. आपने नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन्होंने 562 रियासतों को बातचीत के जरिए इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया. बची तीन बची. अब तीन में कौन कौन सा था, पहला था हैदराबाद, दूसरा था अवध, और तीसरा था J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. तो हैदराबाद और अवध को पुलिस कार्रवाई का मतलब जबरदस्ती, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे देश के बीच में ही है ये अवध और हैदराबाद, और अगर ये पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो पाकिस्तान कहाँ पे है और अवध और हैदराबाद कहाँ पे है, इसका मतलब हमें अपने ही देश में मूव करने के लिए वीजा की जरूरत होती. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको दोनों को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल कर लिया. बचा जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर पर जब पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया, तब वहां के राजा हरि सिंह, नाम क्या था, हरि सिंह, ने जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी आर्मी भेजें और पाकिस्तान की आर्मी से हमें बचाएं, अगर वो ऐसा करते हैं तो हम इंडिया के साथ आने के लिए क्या तैयार हैं. जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी भेजी, पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ा गया, और एक विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम एक्सेप्ट करते हैं, पेपर पर लिखा गया हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इंडियन टेरिटरी में अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं. दोनों प्रधानमंत्री, मतलब हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू की साइन हुई, और इंडियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर सबसे लास्ट में शामिल होता है. और इस तरह से इंडिया एक, और बाद में, बहुत बाद में
गोवा को शामिल किया गया, गोवा 1962 के आसपास शामिल हुआ था, ठीक है ना, 65 या 62 के आसपास शामिल हुआ था, तो वो सब अलग मैटर है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो राज्य कैसे बने हैं उसमें है, तो ये सारा हो गया, ठीक है, आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, द पाथ ऑफ टू न्यू कंट्री, डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टी, इन सब डिफिकल्टीज को लेते हुए there was one big advantage for the makers of the Indian constitution unlike South Africa they did not have up to create a census about the what a democratic India should look like much of this consensus had involved during the freedom struggle ठीक है जो भी चीजें हमने freedom struggle में सोची थी मतलब Indian national movement जब चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहे थे जो भी struggle हुए तो जो जो चीजें हमने कल्पना की थी उसको हमने सीधे सीधे Indian constitution में शामिल करने का सोचा ठीक है जितने भी constitution makers थे It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. हम चाहते थे कि हमारी society एक ऐसे दौर में जाए जहां पर लोगों को तीन चीजें जो किसी भी democratic country के लिए जरूरी होता है पहला होता है liberty, दूसरा होता है equality, ठीक है और तीसरा होता है fraternity, ठीक है मतलब लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता इक्वालिटी का मतलब समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा ठीक है ना तो इन तीन चीजों को ध्यान में रख करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया ठीक है ना अब देखिए एज फॉर बैक अगर हम पीछे जाए 1928 में तो मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अदर कांग्रेसी मेंबर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया और पेश किया गया 1931 को एक रेजोल्यूशन कराची में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातें होंगी और आजादी के बाद हमारा संविधान कैसा होगा इस बात पर सहमति बनी ठीक है ना बोथ दीज डॉक्यूमेंट वेयर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और इन दोनों में ही एक ही टॉपिक की बात हुई वो उसका उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अब देखिए ये टर्म तो आप पहले से जानते होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ठीक है ना लेकिन इस टर्म का मतलब क्या होता है ऐसे सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे लोग जो अमीर गरीब जाति धर्म कुछ भी हो एक फिक्स एज जैसे कि मान लीजिए जब देश आजाद हुआ था तो वो 21 साल था ठीक है तो 21 साल है उससे सारे लोग बड़े वोटिंग के राइट्स सबको दिए गए इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं ठीक है आज वही एज 21 से घटा करके क्या कर दिया गया है 18 कर दिया गया यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब ऐसे सारे लोग जो 18 साल से बड़े हैं वो वोट दे सकते हैं ठीक है तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई ओके अब देखिए आगे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो राइट टू इक्वालिटी राइट टू माइनॉरिटी ठीक है ये सब बेसिक वैल्यू को हमारे नेताओं ने लीडर्स ने ध्यान रखा द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन अग्रीमेंट ओवर एन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो भी कॉलोनियल रूल में था मतलब अंग्रेजों के टाइम में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो इंडिया पे रूल करने में हेल्प कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफी हेल्प उनकी मिली जिससे हमारे इंस्टीट्यूशन का डिजाइन तैयार हुआ द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग के राइट दे रखे थे ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेचर तो बनाया लेकिन वो लेजिस्लेचर काफी कमजोर था इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस भी हुए लेकिन और पूरे ब्रिटिश इंडिया से मिनिस्टर्स चुन के आए देयर वाज ओनली फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट थी उसको हम फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मान सकते क्योंकि सभी लोगों ने वोट नहीं दिया था ठीक है ना बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री लेकिन यहां से ये प्रूव हो गया कि लेजिस्लेचर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए और इंस्टीट्यूशंस कितने जरूरी हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए ठीक है ना दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशन डिटेल इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे इंस्टीट्यूशन डिटेल्स को अडॉप्ट किया प्रोसीजर में लाया कॉलोनियल लॉ को और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जितने भी रूल रेगुलेशन थे उसको या तो सीधे सीधे उठा करके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया या कुछ बहुत फेर बदल करके उसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया क्योंकि ये क्या थे
कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी हमें देते थे, इंस्टीट्यूशन के डिजाइन भी देते थे, हमें कैसे रन करना ये भी हमें बताते थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ता है, डायरेक्टली हम कहने या इनडायरेक्टली कहने। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। Years of thinking and deliberation of the framework of the constitution had another benefit. कई सालों की सोच, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने दिन चला था उतने सालों की सोच की वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा और सबसे प्यारा संविधान पूरे विश्व का है, हम ये कह सकते हैं। ओके, इसमें किसकी किसकी बात की गई है, तो मेनी ऑफ आवर लीडर वेयर इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो क्या थे, बहुत ज्यादा उत्साहित है। जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन में तीन चीज की बात हुई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन था। तो इन तीनों को हमारे इंडियन लीडर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना चाहते थे। ओके ओके, द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमारे देश के लीडर ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है ना। बिल ऑफ राइट्स जो यूएस में था उससे ज्यादा प्रभावित थे। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया, रशिया में जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन चला था उससे इंस्पायर थे इंडियन थिंकर्स। सेपिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, क्योंकि रशिया में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई थी, वो ये भी चाहते थे कि इंडिया में भी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। इन सब के बाद एट ईच स्टेप दे वेर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटे आवर कंट्री। इन सब के बाद भी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस होती थी कि ये टॉपिक हमारा सही है कि नहीं है, तब उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाता था, ठीक है। अगला टॉपिक जो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को देखिए, इंजॉय कीजिए, क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।